रात को एक बज रहा है, रात को एक बज रहा है, फिर भी इन लोग को नाच करना चाहिए। Hey guys, it's me कृष्णा, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज संडे है, जा रहे हैं बाल बाल कटवाने। छुट्टी उट्टी तो मिलता नहीं है ज़्यादा, तो आज ही सोच रहे हैं बाल बाल कटा लेते हैं। तो अपना दोस्त के साथ जा रहे हैं भाई। हाय बोल भाई। हाय। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं, हमारा कैंपस है ट्रेनिंग स्कूल जो शक्ति है, फॉरेस्ट का ट्रेनिंग स्कूल शक्ति, इसका अंदर का कैंपस है। ये सब कितना हरा भरा अच्छा दिख रहा है भाई, वाह। कभी आप भी फॉरेस्ट गार्ड बन के आएंगे तो यहाँ ट्रेनिंग करने, तो आपको ही देखने को अच्छा अच्छा नज़ारा मिलेगा। यहाँ गेट बंद है भाई, खुद गया है गेट खोलने। What's left? The storms we chase are leading us. शक्ति वैसे जगह ठीक है, लेकिन गर्मी ज़्यादा है भाई यहाँ थोड़ा। हम लोग सरगुजा वाले जंगल उधर अधिक है, मतलब ज़्यादा जंगल है, इसके वजह से थोड़ा ठीक ठाक वातावरण उधर कूल रहता है इधर से, और यहाँ थोड़ा गर्मी ज़्यादा है भाई। गर्मी में तो आफत हो गया था, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, उमस ज़्यादा है, पानी वानी गिरता है, इसके बाद तुरंत धूप आ जाता है, तो गर्मी वर्मी इसी के चलते ज़्यादा है। बट कोई बात नहीं, एक महीना और काटना है अगस्त तक पूरा, इसके बाद फिर से वापस जाना है अपना जगह पे सरगुजा। वातावरण कूल रहता है वहाँ, ठंडा लगता है, इधर से तो काफ़ी ठंडा है उधर भाई। तो गाइस समय है अविनाश टेलर के पास, मेरे दोस्त का थोड़ा वर्दी बड़ा हो गया है, उसको कम कराना है, कभी आए हैं यहीं। तो भाई एक घंटा बाद बोला है टेलर आने के लिए, तो चलते हैं थोड़ा बाल वाल कटवा लेते हैं, और एक सेल्फी स्टिक लेना है। तो गाइस फाइनली गाड़ी बन गई है भाई की, धुल गई है, अब चलते हैं बाल वाल कटाते हैं, एक सेल्फी स्टिक लेना है, इसके बाद चलते हैं हॉस्टल, क्योंकि टाइम भी हो जा रहा है, 5 लगभग बज ही गया। तो चलिए चलते हैं दुकान, सबसे पहले सेल्फी स्टिक लेते हैं। तो भाई लोग सेल्फी स्टिक ले लिया हूँ एक, और एक केबल ले लिया हूँ मोबाइल चार्ज करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं बाल वाल कटाने, नाश्ता वास्ता कर लिया हूँ, बाल वाल कटाते हैं, इसके बाद हॉस्टल चलते हैं, टाइम हो गया है भाई, लेट भी हो जाएगा। तो गाइस बाल वाल कटा लिए हैं भाई के साथ, भाई भी कटाया है, कट गया भाई। अब चलते हैं रूम, लेकिन रूम जाने से पहले एक लोचा हो गया भाई, जहाँ वाशिंग करा रहा था कार वाशिंग, वो यहाँ पूरा मतलब वहाँ पूरा वर्दी छोड़ दिया है, तो जा रहे हैं वहीं लेने भाई, पता नहीं मिलता है कि नहीं यार, वर्दी है मेरे भाई, और दूर भी जाना है अभी, गड़बड़ मत हो जाए, इतना जल्दी वर्दी भी नहीं सिला पाएगा, गड़बड़ मत हो जाए यार, आराम से। मिल जाना तो चाहिए यार, वर्दी कौन ले जाएगा भाई, कहाँ करेगा वर्दी ले जाके यार, देखते हैं किस्मत। मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होना चाहिए। दुकान वाला क्या कहते हैं, पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, पहुंच गए इधर से ही चिल्ला के, पहुंच गए बाबू। ए जड़ू, कोई स्कूटी वाला कपड़ा दिया है यहाँ पे रखा है तो कपड़ा, हाँ मतलब झोला में, कपड़ा तो आप पीछे में रखे थे ना? नहीं नहीं, तो झोला यहाँ पे टांगा था ना वहाँ पे, पता नहीं भाई कहाँ, अंदर में मैं चाय लेने चला गया था ना, उसके बाद नहीं, कहाँ पास कर रहा है, देखते हैं भाई यार, जा रहा है भाई देखने। वर्दी तो कोई चुराना नहीं चाहिए, वर्दी तो कोई किसी को लेना नहीं चाहिए यार, वर्दी क्या करेगा लेकर भाई, मिल जाएगा शायद तक,
लगता तो है मिल जाएगा। भाई गया है लेने वर्दी को, जो कार साफ किया था वो बोल रहा है फिर से गंदा हो गया गाड़ी। तो भाई काफी मशक्कत करने के बाद वर्दी तो मिल चुकी है, लेकिन अभी क्या है कि स्कॉर्पियो वाला था 15 किलोमीटर, वो अभी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ले गया है, वो सोचा कि किसी और का होगा करके तो ले गया है। भाई सुरक्षित रखा है, थैंक यू भाई। जहाँ यहाँ गाड़ी बनता था, मतलब जहाँ गाड़ी वाशिंग कराए थे, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर ले गया है। अभी आने में उसको लेट भी हो जाएगा, इसके वजह से हम लोग चल जा रहे हैं अभी हॉस्टल। तो दुकान वाला बोला है कि सवेरे आइएगा भैया, इसके बाद ले जाइएगा। तो आएंगे सवेरे, सवेरे ले जाएंगे वर्दी। बड़ा लफड़ा है यार, एक बज रहा है भाई, रात को एक बज रहा है, रात को एक बज रहा है, फिर भी इन लोग को नाच करना चाहिए। मिश्रा जी, पीयूष पटेल, लाल सिंह, लाइसंत राजवाड़े, क्या बात है साहू जी। भाई पूरा लोग सो रहे थे, लेकिन 4-5 लोग पूरा मिलकर डिस्टर्ब कर दिए। अभी 1 बज रहा है, लगभग 1 बज रहा है, 1 बजने में कुछ मिनट बाकी है। कसम से भाई,